गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। तो दोस्तों आज मैं एक और अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो कि होने वाला है 2.1 मल्टीमीडिया टावर स्पीकर। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले इसके बॉक्स के बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे। मैं इसके बॉक्स को आपको दिखा देता हूं और इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूं। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके का कुछ बॉक्स होने वाला है। इसके ऊपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। हाई फाइव बेस है इसका, 36,000 वाट पंपो बेस के साथ आता है। मल्टीमीडिया टावर स्पीकर ही होने वाला है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ इसमें डिटेल्स दी गई है बॉक्स के ऊपर। इसमें हाई फाइव बेस है, मल्टीमीडिया टावर स्पीकर है, इसके साथ एक इनबिल्ट माइक भी आता है। माइक भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसके सभी कंट्रोल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरफ से ये बॉक्स हमारा इस तरीके का होने वाला है। कुछ इस तरीके से हमारा टावर स्पीकर निकल करके आया है। मल्टीमीडिया स्पीकर है ये, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसको मैं अभी चालू करके भी आपको दिखाऊंगा, ऑन करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम अपने सबवूफर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ आया हुआ है ये। 8 इंची का इसमें बूफर होने वाले हैं। ये डुअल बूफर के साथ आता है, इसमें दो बूफर दिए गए हैं। ऊपर से ये कपड़े की कोटिंग इस पर दी गई है ताकि ये कहीं से भी डैमेज ना हो, ठीक है। 3mm वुडन फिनिश के साथ ये हमारा टावर स्पीकर आता है गाइस। इसमें देखिए ग्लास की फिटिंग दी गई है, ये पूरा ग्लास होने वाला है। इसके नीचे आपका देखने के लिए मिल जाता है वुडन फिनिश के साथ, इसमें देखने के लिए मिल जाता है। एयर बैंड पाइप आप देखिए कितना बड़ा है, इसके अंदर से जो एयर निकल के आती है बहुत ही तगड़ा बेस है इसका। इसको मैं अभी चला के भी आपको दिखाऊंगा। इसमें हमें एक मिड एक ट्यूटर मिल जाता है और इसकी भी आवाज़ बहुत ही लाउड होने वाली है। इसमें एक हमें डांसिंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे मोड्स होने वाले हैं। ये USB सॉकेट है, यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले है, ठीक है। इसके साथ जो हमें मिलता है एक रिमोट और एक माइक मिल जाता है, और माइक को भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। इसमें इसको हम घुमा के देख लेते हैं। कुछ कंट्रोल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले कंट्रोल की बात करें तो पहला कंट्रोल इसमें वॉल्यूम का आ जाता है, दूसरा बेस का आ जाता है, तीसरा ट्रेवल का आ जाता है। इसके अंदर आप लाइन इन कर सकते हैं, जैसे आप किसी टीवी से या किसी कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से वहाँ इस केबल के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्स केबल इसमें लग जाएगी। और यहाँ पे एक माइक का कंट्रोल दिया गया है, देखिए माइक जैक है इसके अंदर, और यहाँ से आप इजिली माइक को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये ऑन ऑफ स्विच है। इसमें देखिए 6 लेयर की हीट सिंक IC भी दी गई है। इसके अंदर IC लगी रहती है दोस्तों ताकि वो हीट ना हो, कूलिंग के लिए इसमें हीट सिंक IC दी गई है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फिनिश के साथ ये हमारा निकल करके आया है। ये देखिए इसको देख लीजिए, मैं जल्दी से इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी। दोस्तों अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसकी सारी डिटेल्स वहां पे आपको दे दूंगा, आप इसको किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। ले गाइस इसको चालू करके देख लेते हैं इसकी किस तरीके से डिस्प्ले आती है और क्या इसका साउंड क्वालिटी होने वाली है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको वहाँ से सॉकेट से पावर दे दी है। अब यहाँ से हमें ऑन करना होगा, ऑन ऑफ स्विच इसमें दिया गया है। ये देखिए पावर ऑन, ये मैंने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसकी डांसिंग लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑन हो चुका है। हम इसको अपने फ़ोन से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। जी म्यूज़िक के नाम से इसका डिवाइस आता है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ऑलरेडी हमारे फ़ोन से कनेक्ट है। चलिए एक मैं आपको साउंड सुना के दिखा देता हूँ जल्दी से कि कैसा इसका साउंड होने वाला है। मेन चीज़ तो गाइस, आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें साउंड ना हो तो फिर बेकार ही है, उसमें साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक NCS म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। ये देखिए मैं ये वाला म्यूज़िक आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। साउंड कम कर देता हूँ पहले, ये तो इसका बहुत तगड़ा ही साउंड है। अब आप थोड़ा पास आइए मेरे साथ, अपने माइक के द्वारा आपको इसका साउंड जो है सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, फिर इसके कंट्रोल्स के बारे में भी मैं बात करूँगा अभी। इसके कंट्रोल्स के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे इसके फ्रंट में कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपका सबसे पहले मोड्स का बटन आपको देखने को मिल जाता है, इससे आप मोड्स बदल सकते हैं, ऑक्स पे जा सकते हैं और ऑक्स से ही आप इसका माइक ऑन कर सकते हैं। आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके
माइक ऑफ माइक ऑन हो जाएगा यहीं से। माइक ऑन, ये देखिए माइक ऑन हो चुका है। ठीक है, ये प्ले और पॉज के लिए होता है। ये सॉन्ग को आगे पीछे करने के लिए दो बटन दिए गए हैं यहाँ पे हमें। ये यूएसबी के लिए दिया गया है, जैसे आपके पेन ड्राइव में कोई गाने वगैरह हो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लगा के आप गाने यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक माइक मिलता है। माइक भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, माइक भी टेस्ट करा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से माइक आता है। तो हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी वायर को खोल लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए गाइस, इसकी वायर भी ना काफ़ी लंबी होती है, तो आप इसको कहीं भी ले जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस माइक को कॉर्डलेस नहीं होता, ये कॉर्डलेस के लिए एक अलग डिवाइस आता है गाइस, तो वो सभी टावर्स में नहीं होता, आप किसी किसी टावर्स में वो देखने के लिए मिलता है। तो हमें वायर वाला मिला है तब भी ये भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे अपने माइक को। ये माइक हमारा ऑन है। ऑन होने के बाद इसको आपको ब्लूटूथ मोड पर ले जाना है। यहाँ से ये ब्लूटूथ मोड पे जा चुका है। यहाँ से आप क्या होगा, ब्लूटूथ मोड पे अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो आप कोई भी सॉन्ग लगा के ना, क्रोकरे सॉन्ग लगा के आप यहाँ से डायरेक्टली अपने इसमें डिवाइस में गाना प्ले कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने माइक ऑन कर दिया है। हेलो, आप आवाज़ देख रहे होंगे मेरी, मेरी आवाज़ माइक में आने लग गई है। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। ये देखिए, अगर यहाँ से वॉल्यूम नहीं होता तो आपको अपने फ़ोन से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, हेलो 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 हेलो। ये देखिए कोई बिल्कुल क्लियर साउंड है इस माइक का, अब बिल्कुल कुछ इसमें रुकावट आई नहीं रही, आप देख सकते हैं। तो चलिए माइक को हम साइड रखते हैं और इसमें मैं आपको सॉन्ग प्ले करके एक दिखा देता हूँ, NCS म्यूज़िक। तो साउंड होने वाला है, क्या इसकी बेस क्वालिटी है वो सब मैं आपको सुना देता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके का कुछ इसका रिमोट होने वाला है। इसमें भी सारी कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से सॉन्ग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। और इसकी सबसे कमाल की बात है गाइस कि आप इसकी जो है लाइट जो है ना, उसकी डांसिंग लाइट भी चेंज कर सकते हैं, उसके मोड आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए गाइस, इसकी लाइट जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई है। अब कैसे, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, लाइट इजीली चेंज होने लगेगी। ये देखिए ये चेंज हो गई। ये देखिए इसके पैटर्न जो है वो बदलते रहेंगे डांसिंग लाइट्स के। अब जैसे इसको बटन को प्रेस करके रखेंगे, आप इस तरीके से भी लाइट इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो मुझे यही वाली अच्छी लगती है गाइस, तो मैं इसी को रखता हूँ। आप रिमोट से भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसका आपको साउंड सुना देता हूँ पास से, अपने माइक से, माइक के द्वारा। और दोस्तों, इसका साउंड सुनने से पहले ना आप हेडफोन ज़रूर पहन लें, ताकि हेडफोन में ही असली क्लैरिटी का साउंड आपको पता चलेगा। तो मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? देखिए फुल बेस है इसके अंदर। ये देखिए, एक बार बेस पर दिखाना, यहाँ दिखाना एक बार। तो दोस्तों, बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल बेस निकल करके आ रहा है। मेरे घर के शीशे हिलने लगे, बर्तन गिर गए, और बहुत ही तगड़ा साउंड निकल करके आया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, आप कैसे परचेस कर सकते हैं, तो आप मुझको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। ये भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन सर्च मत करना, मिलेगा भी नहीं। आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं, सिर्फ मैं बताऊँगा आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गाइस, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं,
हेल्पफुल वीडियो बनाऊं ताकि मेरी वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो और आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना ढेर सारा प्यार मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिए गाइस। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।